लगातार ये दूसरा दिन है आपके धरने का, कल भी आपने धरना किया, आज भी किया, जो मजदूरों की जो मांगे हैं या जो मजदूरों के लिए, जो मजदूरों के खिलाफ जो कानून या जिस तरह की सरकार नियत रख रही है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने की बात कर रही है, क्या लगता है आज तो संख्या काफी बढ़ गई है आपके, कौन कौन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया और आज क्या तय हुआ आपके? नहीं, तय होने का सवाल नहीं है, लेकिन आज एक अच्छी बात हुई कि अलग अलग यूनियंस आए थे, अलग अलग यूनियंस ने इसमें हिस्सा लिया है। कॉमरेड विद्यासागर गिरी जो सेंट्रल सेक्रेटरी है AITU से, कि वो आके बात किए। कॉमरेड अभिजीत जो NTUI के केंद्रीय फुल टाइमर है वो आके बात किए। कॉमरेड राजीव डिमरी जो AICCTU के जनरल सेक्रेटरी है वो आके बात किए। तो और ये सभी ने मान लिया कि आज ज़रूरत है कि हम सबको एक साथ आके ये चार लेबर कोड्स के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अलग अलग यूनियंस के भी आए हैं, दूसरे यूनियन से भी आए हैं कॉमरेड नरेंद्र, ये ICTU से आए हैं कॉमरेड कृष्णकांत, ये लोकपक्ष से आए हैं। वैसे एक अच्छी बात है कि अलग अलग यूनियन से, अलग अलग संगठनों से और ऑल इंडिया यूनियन से लोग आके ये बोल रहे हैं कि हमें एक साथ आके लड़ने की जरूरत है। सर, जो मजदूरों की लगातार मांगें उठ रही हैं, जिस तरीके से अब सरकार फैसले ले रही है, पूरा देश ऐसा लगता है ठेके पे चला जाएगा, तो किस तरीके से इसको रोकेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ, मैं गुजरात से आता हूँ, आज गुजरात में जिस तरीके से ये एक मॉडल को दिखाया जा रहा है, आज मोरबी में लोग 140 लोग मर गए। आज ये सवाल है कि जो सरकार और सरकार के साथ जुड़े हुए जो मुड़ीपति हैं, जिस तरीके से वो दोनों मिलके पूरे देश को लूट रहा है, उसके खिलाफ फार्मर्स लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, हर संघर्षशील साथी लड़ रहा है, और मैं मानता हूं कि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई में जो फांसीवादी ताकतें हैं वो कमजोर हो रही है और आने वाले दिनों में वो परास्त होगी। संदेश देना चाहेंगे आप देश को? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से मजदूरों को, किसानों को, मेहनतकशों को कुचला जा रहा है, आम जनता को कुचला जा रहा है, उसके लिए एक ही पर्याय है कि सभी जनवादी प्रेमी, सभी मेहनतकश जनता को एक साथ आके इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। आज समय बहुत आगे गया है और अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ज़रूर हम एक अलग तरीके का भारत देखेंगे, हिटलर के जर्मनी के जैसे या मुसोलिनी के इटली के जैसे।